गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का वीडियो एनडीए स्पेशल है। आज मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी। हमारा आईटीएफ खत्म हो चुका है, सिर्फ 3 लेक्चर आने बाकी हैं। आज का एनडीए स्पेशल, नेक्स्ट वन जेई मेन स्पेशल और लास्ट वन जेई एडवांस स्पेशल। आज मैं करवाने जा रही हूं मिक्स प्रॉब्लम ऑन आईटीएफ। आज वैसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो एनडीए पूछ चुकी है या पूछ सकती है। आईटी 2008 का एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो एनडीए भी पूछ चुकी है। एनसीईआरटी के 2 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो एनडीए पहले पूछ चुकी है, और 2-3 मिक्स टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी जो यूनिक कॉन्सेप्ट के हैं, जिसे बोर्ड भी पूछी है, आईटी भी पूछी है और एनडीए भी पूछी है। आज के लेक्चर में टोटल 7 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप सीख चुके हैं किन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करती हूं। ये क्वेश्चन अच्छे से सीखिएगा। मैं 4 ऐसे क्वेश्चन ली हूं, आउट ऑफ 7 4 क्वेश्चन ऐसा ही ली हूं, साइन, कॉस और 2 नेक्स्ट लूंगी टैन लिखकर। प्रोसीड कैसे करेंगे सीखिएगा। अगर यहां 2 है तो अंदर वाले को थीटा मानूंगी ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकूं। अगर यहां 3 होता तो इस पूरे को थीटा मानती, सो दैट साइन 3 थीटा लगा सकूं। अगर यहां 1/2 होता, अगर इस 2 के जगह पर 1/2 होता तो इस पूरे को 2 थीटा मानती, सो दैट की साइन थीटा निकाल सकूं। अगर यहां 1/3 होता तो मैं 3 थीटा लग इसे एज्यूम करती। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किसे क्या एज्यूम करना है। अब मैं क्वेश्चन को प्रोसीड करती हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बोर्ड आज तक पूछी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जो मैं 4th क्वेश्चन करवाऊंगी वो सीबीएसई पूछ चुकी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैं मान लेती हूं इसे लेट, ये 2 है तो अंदर वाले को थीटा मान लेती हूं। मैंने मान लिया साइन इनवर्स 4/5 को थीटा। इट मींस पूछा क्या जा रहा है, साइन 2 थीटा। इसका मतलब साइन 2 थीटा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है एकदम, विजुअलाइज करना है आपको क्वेश्चन को। ये थीटा मान ली तो साइन 2 थीटा पूछा जा रहा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन इंटू कॉस। साइन तो यहां दिया हुआ ही है, यहां साइन थीटा दिया हुआ है। मेरे पास एक रास्ता है कि मैं कॉस थीटा निकाल लूं। साइन थीटा मालूम है, साइन 2 थीटा पूछा है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा पता है तो कॉस को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, 1 - sin² θ। 1 - sin² cos² का रूट अंडर कॉस हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू 4/5 रूट अंडर 1 - 4/5 होल स्क्वायर। 2 4 = 8/5। 25 - 16 = 9 रूट अंडर 9/25। 8/5 × 3/5 8 3 = 24 5 5 = 25 करेक्ट आंसर आ गया। 24/25
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप मार्क कीजिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या सेकंड क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर है, देखिएगा। कॉस टू लिखा है, इट मींस इसे थीटा मान सकती हूं, मैं मान लेती हूं। लेट थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स हाफ। अगर ये थीटा हो गया तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कॉस टू थीटा। इट मींस क्वेश्चन में कॉस टू थीटा पूछा जा रहा है। पता क्या है हमारे पास, टैन इनवर्स इस तरफ आ गया, टैन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई। मुझे टैन मुझे मालूम है, कॉस टू थीटा पूछा गया, तो कॉस टू थीटा के पांच फॉर्मूले, पहला कॉस साइन मिक्स, दूसरा सिर्फ कॉस, तीसरा सिर्फ साइन, ये तीन हुआ और एक और, टोटल चार फॉर्मूले। सिर्फ टैन, मैं टैन वाला लिख लेती हूं, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। मैंने यहां पर टैन वाला क्यों लिखा, क्योंकि टैन थीटा की वैल्यू वन बाई टू दी हुई है। टैन पता है तो टैन वाला लिखूंगी, कॉस पता होता तो कॉस वाला लिखती, साइन पता होता तो साइन वाला लिखती। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं, वन माइनस वन बाई फोर वन प्लस वन बाई फोर, फोर माइनस वन थ्री अपॉन फोर, फोर प्लस वन फाइव अपॉन फोर, थ्री अपॉन फाइव। मेरा आंसर आ चुका है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो हम लोग देखेंगे। यहां ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दो और क्वेश्चन सेम पैटर्न का। इस क्वेश्चन की विशेषता है, सीबीएसई सेम टू सेम इस क्वेश्चन को ट्वाइस पूछ चुकी है, दो बार। एनडीए के लिए तो मैं पढ़ा ही रही हूं, लेकिन बोर्ड्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई से टू मार्क्स में पूछी है, ऑप्शन नहीं दी थी। मैंने ऑप्शन दिया क्योंकि एनडीए में ऑप्शन देकर पूछा जाता है। टैन टू इसे थीटा मान लूंगी, क्योंकि टैन टू थीटा निकालना रहेगा, तो मैंने मान लिया लेट थीटा इक्वल्स टू दिस वन। इस पूरे को मैं थीटा मान चुकी हूं, रूट फाइव माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टू। ये टैन इनवर्स इस तरफ आ जाएगा, बन जाएगा टैन थीटा रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू। पूछा क्या जा रहा है, जब इस पूरे को मैं थीटा मान चुकी हूं तो टैन टू और ये पूरा थीटा, यही तो पूछा जा रहा था, यही तो पूछा जा रहा था। और दिया हुआ था हमारा टैन थीटा, टैन टू थीटा पूछा जा रहा है, टैन थीटा मालूम है हमारे पास, तो फॉर्मूला है टैन टू थीटा इक्वल्स टू टू टैन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब मुझे यहां टैन और यहां टैन मालूम है, क्या करूंगी मैं, टू टैन थीटा के जगह ये सारा रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, मींस इसका होल स्क्वायर, रूट फाइव माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट, एलसीएम लूंगी मैं, रूट फाइव माइनस वन टू का स्क्वायर, ये फोर ऊपर चला गया
और यहां बचेगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। बचा क्या वो देख लेते हैं। ये है 4 रूट 5 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5। अब हमें देखना है कि बचा क्या है। 4 रूट 5 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 रूट 5। कॉमन ले लेती हूं डिनोमिनेटर से, माइनस 2 अगर कॉमन ले लेती हूं मैं तो यहां बचेगा रूट 5 और यहां माइनस 1। दीज टू गेट्स कैंसल्ड आउट और बच गया 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 कैंसल्ड और करेक्ट आंसर आ गया 2। क्या किसी ऑप्शन में 2 दिया गया है? यस, सी ऑप्शन में 2 दिया हुआ था, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क करती हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक भी है, देखिएगा कैसे। यहां 1/2 है, इसका क्या मतलब है? यहां 1/2 है तो इसे मैं 2θ मानूंगी, अगर 1/3 होता तो 3θ मानती, सो दैट कैंसल हो जाता ये 2। 2 है तो 2θ, 3 होता तो 3θ, 4 होता तो 4θ। तो मैं मान लेती हूं लेट साइन इनवर्स 3/4 को 2θ। ये तो मैं प्रोसीड कर दूंगी, ये बच क्या गया? बच गया टेन 1/2, इस पूरे को मैं मानी हूं 2θ। इसका मतलब टेन थीटा बराबर व्हाट है? यानी ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, ये गिवन है और टेन थीटा पूछा गया है। कर लेते हैं साइन इनवर्स दूसरी तरफ, ये बच गया 3/4, साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा, बन गया साइन 2θ। ये है साइन 2θ और पूछा गया है टेन के बारे में। 3/4 साइन 2θ को लिख सकते हैं 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 plus tan square θ। मुझसे टेन थीटा पूछा जा रहा है, इसका मतलब मैं कैलकुलेट कर लेती हूं, 3 1 3 3 tan square θ, 4 2 8 tan θ। मैं इस तरफ ले आऊंगी 3 tan square θ, ये इस तरफ आ गया -8 tan θ +3 = 0, क्योंकि tan पूछा है और ये tan में क्वाड्रेटिक है, मींस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना होगा। 9 लाना है तो मैं क्या करूंगी, 9 लाना है तो ये कभी नहीं आएगा 9, क्योंकि 9 - 1 अगर मैं लिखती तो +9 लाना है, प्रोडक्ट करने से +9 और सम -8। क्या कोई नंबर आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। शुरुआत में मैं सोची 9 और 1 तो उससे -8 नहीं आएगा, फिर मैं सोची -9 और 1 तो इससे 9 नहीं आएगा, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने जा रही हूं, tan थीटा की वैल्यू -b +b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 into a।
टेन थीटा की दो वैल्यू आएगी, पहला 8 प्लस माइनस, 3 3 9 4 36, 64 में 36 जाएगा, 36 8 44 20 64 यानी 28, और ये आ गया 6। इसे मैं लिख सकती हूं 28 को 2√7 by 6, 2 कॉमन ले लूंगी, 2 कॉमन लेने से 4 प्लस माइनस √7 by 6, 2 3 6, तो tan थीटा की दो वैल्यू आ गई, फर्स्ट वन प्लस वाला और सेकंड वन माइनस वाला। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक ही ऑप्शन दिया है बी 4 माइनस √7, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की विशेषता है कि ऑब्जेक्टिव में एनडीए भी पूछ सकती है और स्टेट बोर्ड इसे 7 मार्क्स में पूछी थी। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और एनडीए इनफैक्ट ये क्वेश्चन आईआईटी के द्वारा भी बहुत पहले पूछा गया है। अब 3 ही क्वेश्चन करवाने हैं, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे सीखिएगा। टेन ए प्लस बी, सबसे पहले मैं इसे छोटा करती हूं, यहां 1/2 है तो इसे 2 थीटा लिख लेती हूं, मैं यहां इसे 2 थीटा मान लेती हूं। लेट कॉस इनवर्स ए बाई बी को 2 थीटा मैंने मान लिया। मैं 2 थीटा इसलिए मानी क्योंकि यहां 1/2 है, अगर 1/3 होता तो 3 थीटा मानती, 1/4 होता तो 4 थीटा मानती, यहां 2 है तो 2 थीटा मानी। तो ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा वो देखते हैं। टेन पाई बाई 4 1/2 इंटू 2 थीटा, टेन पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू 2 थीटा, जो बहुत बड़ा दिख रहा था कुछ तो सिंपल हो गया। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे छोटा करते जाएंगे। देखिएगा आप, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। हमें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, मैं लगाने जा रही हूं, टेन ए प्लस बी होगा टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब जो प्लस था वही यहां माइनस है, टेन ए माइनस बी होगा टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेती हूं, टेन 45 पाई मीन्स 180/4 45, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, मैंने इसे लिख लिया 1 प्लस टेन थीटा, ये बन गया 1 माइनस टेन थीटा। टेन 45 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। अब यहां एलसीएम लिया जा सकता है, इन दोनों का एलसीएम मैं ले रही हूं, 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। अगर देखें यहां 1 प्लस इंटू 1 प्लस, ये होल स्क्वायर हो चुका, प्लस साइन 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेती हूं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, और इस तरफ ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
टू ए बी, और डिनोमिनेटर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या कैंसल कर सकते हैं ये प्लस माइनस, ये साइड में आपको दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है प्लस और माइनस कैंसल आउट हो गया। दिस प्लस दिस दो बार समेशन है, हम लोग कर लेंगे टू इंटू दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन। अब ऑप्शन ए बी में दिया हुआ है, इसका मतलब यहां क्या गिवन था, धीरे धीरे कर लेती हूं। कॉस इनवर्स इस तरफ गया, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी, यानी आंसर ए बाई बी के रूप में है, इट मींस कॉस टू थीटा लाना है। तो ध्यान दें हम लोग, तो ये पार्ट नीचे आ जाएगा वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस पूरे पार्ट को ही तो कॉस टू थीटा कहते हैं, आपको फॉर्मूला याद है वन माइनस टैन स्क्वायर बाई वन प्लस टैन स्क्वायर को ही तो कहते हैं। ये बन गया टू अपॉन कॉस टू थीटा। यूजिंग वन कॉस टू थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी, जिसे सिंप्लीफाई करूंगी तो आ गया टू बी अपॉन ए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन फोर मार्क्स के लिए है, इसका स्टैंडर्ड अच्छा है, ये हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो आईआईटी भी इसे पूछ सकती है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टू बी अपॉन ए कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ क्वेश्चन है, साइन इनवर्स दिस वन माइनस दिस वन इक्वल्स टू पाई बाई टू। ये मैंने एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट और लिटिल बिट टिपिकल। इस क्वेश्चन में आप डबल स्टार लगाएंगे, कॉपी में डबल स्टार लिखेंगे, बार बार आपको रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सीबीएसई फोर मार्क्स में पूछ चुकी है, स्टेट बोर्ड फोर मार्क्स में पूछ चुकी है, स्टेट बोर्ड ऑब्जेक्टिव में भी पूछी है, एनडीए तो पूछे ही पूछी है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे आईआईटी भी पूछ सकती है, देखते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिखाऊंगी और सुलझे हुए तरीके से। इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेती हूं, साइन इनवर्स माइनस टू साइन इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, इन दोनों में इस एक को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगी, इस साइन इनवर्स को दूसरी तरफ भेजूंगी, माइनस टू साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या कोई आइडेंटिटी आपको नजर आ रहा है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्वेश्चन एज यूजुअल कॉपी हो गया। ये क्यों हुआ ऐसा, इसके लिए मैं प्रॉपर्टी लिख देती हूं, हमें पहले से पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, इसलिए पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसे दूसरी तरफ भेज दूंगी, कॉस इनवर्स एक्स होगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। मैं क्या करने जा रही हूं, अब इस कॉस इनवर्स एक्स को लिखूंगी पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तो पहले लिखी थी। अब देखिएगा, इस कॉस इनवर्स को मैं इस तरफ लाना चाहती हूं, बच गया यहां वन माइनस एक्स। धीरे धीरे समझना है, यहां
टू है तो मैं इसे थीटा मान लेती हूं, अगर वन बाई टू होता तो टू थीटा मानती, अगर वन बाई थ्री होता तो थ्री थीटा मानती, तो मैं इसे मान लेती हूं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, मान लेती हूं कॉस माइनस टू थीटा, एक्स की वैल्यू यहां से साइन थीटा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स इस तरफ आएगा और ये एक्स साइन थीटा बन गया। अब प्रॉपर्टी कहता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। राइट साइड साइन में है, कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले, यहां हम लोग वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें सिर्फ साइन हो, तो मैं लिख लेती हूं कॉस टू थीटा होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन थीटा, वन एंड वन कैंसल्ड आउट, ये साइन थीटा इस तरफ आ गया माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन में तो थीटा था नहीं, एक्स था, हमने साइन थीटा के जगह एक्स रखना है क्योंकि एक्स के जगह साइन थीटा हम लोग रखे थे। तो अब मैं क्या करूंगी, यहां यूजिंग वन, इक्वेशन वन को यूज करते हुए साइन थीटा के जगह एक्स रख लेती हूं, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एक्स की दो वैल्यू आ गई जीरो और एक्स की वैल्यू हाफ, हमें देखना है कि क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा या कोई एक, अगर जीरो करेगा तो सी ऑप्शन करेक्ट, अगर वन बाई टू करेगा तो डी ऑप्शन करेक्ट, अगर दोनों करेगा तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन बिना वेरीफाई किए आप ऑप्शन टिक नहीं कर सकते हैं, अगर आपने आपका आया जीरो और हाफ और आपने ऑप्शन ए टिक कर दिया, हो सकता है कि गलत हो जाए, हमें रफ वर्क करना होगा वेरीफाई, ये रफ में करना होगा एक एक करके। मैं जीरो रखती हूं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जीरो रख लेती हूं, वन माइनस जीरो साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स वन पाई बाई टू, जीरो पाई बाई टू आ गया और यही है आरएचएस में, इसलिए जीरो तो वेरीफाई हो गया, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो तो वेरीफाई हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि होगा। एक और ऑप्शन दिया हुआ है जिसे हमें वेरीफाई करना है, पुट एक्स इक्वल्स टू हाफ, पुट करके देख लेती हूं, साइन इनवर्स वन माइनस हाफ माइनस टू साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ ये है 30 डिग्री माइनस टू साइन इनवर्स हाफ ये भी है 30 डिग्री, 30 माइनस 60 माइनस 30 आया, क्या यही है पाई बाई टू, ये पाई बाई टू नहीं आया इसलिए ये हमारा रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया नॉट वेरीफाइड, ये रिजेक्ट हो गया। तो सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो हम लोग पूरा शो करके दिखाएंगे और लिखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो इज ओनली सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अब आप देख सकते हैं, ए तो नहीं होगा क्योंकि वन बाई टू रिजेक्ट हो चुका है, सी ऑप्शन में जीरो है इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप बच्चे इस क्वेश्चन को कम से कम 72 घंटे के अंदर 3 बार बनाइएगा, ये साइंस कहता है कि अगर 72 आवर्स के अंदर रिपीट कर दी जाए चीजों को तो
तो वन मंथ तक तो ब्रेन में स्टोर रहा जा सकता है। मैं आपसे तीन बार कह रही हूं बनाने को, इट मींस ये तीसरी बार जब आप बनाएंगे तो 3 मंथ के लिए ये रीस्टोर हो जाएगा आपके ब्रेन में, और रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, जैसा कि मैं नहीं भूलती हूं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार रिवाइज करना है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई 2008 में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन मैं नॉर्मल टेस्ट में लेती हूं, सब्जेक्टिव टेस्ट बोर्ड पैटर्न वाले टेस्ट में, बस इतना बड़ा नहीं होता है, इससे थोड़ा छोटा होता है, कॉन्सेप्ट सेम। तो देखिएगा मैं स्टार्ट कैसे करती हूं। मैं क्या करूंगी, पहले ये कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स चाहिए, ये साइन है तो अंदर साइन इनवर्स चाहिए। तो शुरुआत करती हूं मैं यहां से, ट्राइंगल लॉ से वन आईटीएफ से दूसरे आईटीएफ में बदलेगा, कॉट इनवर्स एक्स को एक बार तो मुझे चाहिए कॉस इनवर्स में, और एक बार चाहिए होगा साइन इनवर्स में। ट्राइंगल लॉ से हम निकाल पाएंगे, कॉट इनवर्स एक्स कहता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, इन दोनों से पाइथागोरस थ्योरम से लगा दिया मैंने। अब इसी को दोनों में बदलना है, इट मींस कॉस में भी बदलना है और साइन में भी बदलना है। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। साइन को बदलना है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉट इनवर्स एक्स की दोनों वैल्यू मालूम हो चुकी है, अब हम लोग क्वेश्चन से प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा था, नाउ रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान है इसका कॉन्सेप्ट, दिखने में लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप बच्चे 2 मिनट ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक्स कॉस, ये जो पहले एक बार क्वेश्चन ही लिख लेती हूं बाद में कन्वर्ट करूंगी, साइन कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन हाफ, ये रहा ऐसा एक्स कॉस, बाहर कॉस है अंदर मैं कॉस इनवर्स चाहती हूं, कॉस इनवर्स, कॉट के बदले कॉस इनवर्स चाहती हूं, इसलिए ऐसा हो गया। ये साइन, इस कॉट इनवर्स के बदले साइन है तो मैं साइन इनवर्स चाहती हूं, पी अपॉन एच। अब ये सिंप्लीफाई होगा कैसे, दीस टू गेट्स कैंसल्ड आउट, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां मैं लिखने जा रही हूं एक्स, ये दोनों कैंसल, एक्स इंटू एक्स अपॉन दिस वन प्लस दिस टू गेट्स कैंसल्ड आउट, वन अपॉन प्लस दिस टू गेट्स कैंसल्ड आउट वन अपॉन दिस वन का होल स्क्वायर माइनस वन टू टू दी पावर वन बाई टू। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये कॉर्नर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूट अंडर दिस वन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एलसीएम
मैं धीरे धीरे बता रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रूट और ये सिंपल है, ये कैंसल आउट होगा और बचेगा रूट अंडर दिस वन होल स्क्वायर माइनस वन हाफ। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन पट्टा के कोचिंग के स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चन जेई मेन में बुकलेट में दिया है लेकिन गलत है, तो करेक्शन वहां कर लेंगे क्योंकि मैंने क्लास में करवा दिया है। इस रूट का स्क्वायर कर लूं, ये रूट का स्क्वायर करने से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये वन और ये वन चला गया, एक्स स्क्वायर टू टू दी पावर हाफ, ये टू और ये हाफ चला गया, बच गया एक्स इंटू दिस वन। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां देखेंगे एक्स इंटू दिस वन, सी ऑप्शन में लिखा है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, आप बच्चे अगर रोज डेली बाय डेली, कम से कम आप सभी व्यूअर में 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे रोज, मैं 11 बजे आपको पढ़ाती हूं और आप बच्चे 1 बजे तक आपके नोट्स का पिक आ जाता है ग्रुप में। तो जो बच्चे 100 का ही क्यों आता है जब आप 500, 600, 300 बच्चे व्यूअर हैं, देखने वाले बच्चे जब इतने हैं, तो ये 100 बच्चे आगे निकल जाएंगे और आप बाकी बच्चे पिछड़ जाएंगे, और यही आगे निकलते निकलते बच्चे तो मंजिल छू लेते हैं, 100 में 100 आ जाता है। आप बच्चों को लगता है कि मैं भी आकृति मैम से ही पढ़ाऊं, मैं 80-90 क्यों लाया और वही लड़का 100 क्यों लाया। यही छोटा सा तो वजह है। मैं टेस्ट लेती हूं, बच्चे 600 है व्यूअर और टेस्ट देते हैं 70-90, तो रिजल्ट में तो अंतर आएगा ही आएगा। तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप सभी बच्चे ऑन टाइम पढ़िए, कभी भी पेंडिंग मत छोड़िए। आज की क्लास अगर 11 बजे स्टार्ट हुई है तो 11 बजे ही शुरू करिए, पहले पढ़ लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, तब दूसरा काम होगा। कुछ वैसे बच्चे हैं जिनका सेम टाइम पर दूसरे सब्जेक्ट की क्लास चलती है, कोई इशू नहीं है। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर 11 बजे से क्लास चल रही है तो ठीक है, पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। अगर आप शाम में फ्री होते हैं तो शाम में मैथ्स पढ़िए, लेकिन आज का कल पर मत छोड़िए, नहीं तो रोज कल को किसी ने नहीं देखा है, आप पीछे रह जाएंगे और रोज का काम रोज करने वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे। और आप बच्चों को मैं परफेक्ट बनाने के लिए मेहनत कर रही हूं, आपको 100 out of 100 लाना है। तो आज का लेक्चर यही खत्म करती हूं, हम लोग कल 11 बजे मिलेंगे जेई मेंस के लेक्चर में। आप सभी बच्चों को वो वीडियो देखना है क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया। थैंक यू।